जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहते हैं कि गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। जब भी हमारे पास कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, गुरु जी उसको छोटे में ही निपटवा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु जी ने उनके साथ कैसे मिरेकल किया। जब भी हम कोई टेंशन में हो, या फिर हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए, या हम कभी कहीं से गिरने वाले हो, तो हमें क्या करना चाहिए? ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको एक बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लगभग हर दिन गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसमें संगत जी हमें बताते हैं कि गुरुपा उन्हें कैसे बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। जब वे अस्वस्थ होते हैं तो वे गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं। आंटी जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यह बिल्कुल सच है कि हम अपना सत्संग केवल तभी बता पाते हैं जब यह हमारे गुरु जी का हुक्म होता है। आंटी जी, हम सब सूली का काटा कहानी के बारे में जानते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने मेरे कर्म कटाए, मुझे स्वस्थ जीवन ब्लेस किया। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। आंटी जी, मैं लाइट बल्ब चेंज करने के लिए स्टेप पर चढ़ रही थी कि मेरे अंकल जी ने मुझे हर बार मना किया कि ये स्टेप यूज़ मत करो, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट का था। इसलिए वो मुझे बार बार मना कर रहे थे कि इस स्टूल को यूज़ मत करो, ये उपयोग करने के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इसे सुरक्षित रूप से उपयोग कर रही थी। गलती से बल्ब बदलते समय जब मैं दोबारा उस पर वापस गई तो मेरा कदम फिसल गया और मैं सचमुच ऊंचाई से गिर गई। गिरते समय मैं किसी तरह से मुड़ गई, मेरा हाथ दीवार से टकरा गया और सिर बहुत बुरी तरह से फर्श से टकराया। आवाज़ इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि अब मेरा सर खुल गया है। यह इतना दर्दनाक था कि मैंने अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर ध्यान दिए बिना गुरु जी के मंत्र जाप को करना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, पर मैं बैठने और फिर फर्श से उठने और बाहर आने में सक्षम हो गई। मैं केवल एक ही बात कह रही थी कि गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपने ना जाने मेरा कौन सा कर्म कटाया, क्योंकि मैं इतनी ज़ोर से गिरी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगनी चाहिए थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे सिर्फ बाजू पर खरोच आई, लेकिन मैं तो सर के बल गिरी थी। सर की उस साइड पर दबने से दर्द होता है जिस साइड गिरी थी, पर कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, ना ही कोई अंदरूनी चोट लगी और ना ही कोई नील पड़ा। कुछ ही घंटों में मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया और अगले दिन मैं जॉब पर भी गई। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ और मैं बहुत हैरान हो गई कि गुरु जी ने मेरा कोई कष्ट कटाया होगा, मुझे आज तक नहीं आने दी। गुरुपा ने सूली का काटा बनाया, उस पर कुछ बड़ा हादसा होना था, मेरे गुरु जी ने बस मेरे कर्म कटा दिए और मेरे को आज तक नहीं आने दी। मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे बचा दिया। हम सभी गुरु जी के निस्वार्थ प्रेम और आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा ब्लेस हैं। गुरु जी हमें इस काबिल बनाए रखना कि आप अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, आप खुद सोच सकते हैं, जब हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें खरोच नहीं आती,
जैसे आंटी जी इतने ऊपर से गिरी थी, उनको कुछ भी हो सकता था। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो सर के बल गिरी और उन्होंने हाथ भी दीवार पे रखा था, तो उनके हाथ पे या फिर सर पे कहीं पे भी चोट लग सकती थी और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने उनके कर्म कटवा दिए, कोई भी खरोच नहीं आने दी, थोड़ी सी भी चोट नहीं लगने दी। गुरुजी ऐसे ही मिरेकल्स सबकी लाइफ में करते रहे। गुरुजी कभी भी किसी को कोई दुख आने ना दे। जैसे ही कोई दुख आए, गुरुजी उस संगत को उस दुख से पहले ही बचा ले। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमारा पूरा गुरु परिवार हमेशा स्वस्थ और खुशियों से रहे, उनकी झोली में हमेशा खुशियाँ रहें, कभी भी उनको कोई दुख टच तक ना कर पाए। गुरुजी, हो सके तो मेरी इस अरदास को पूरा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।